नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप हैं खबरों के हाईवे यानी द एनएच जीरो पर और देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सवाल तो बनता है। हापुड़ हादसे में 13 मजदूरों की जान चली गई, 20 बुरी तरह झुलस गए, जिनमें से 4 की हालत बेहद गंभीर है, जो जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल तो बनता है कि इन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पुलिस चौकी से मात्र 250 मीटर की दूरी पर चल रही इस फैक्ट्री की पुलिस को जानकारी कैसे नहीं हुई, जहां हर दिन बड़ी संख्या में मजदूर काम करते थे। शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे हुए विस्फोट से पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि 3 शिफ्ट के साथ कई कामगार उछलकर बाहर गिरे, जाकर पूरी इमारत जमींदोज हो गई। इससे साफ जाहिर होता है कि इस फैक्ट्री में भारी मात्रा में और हाई इंटेंसिटी का विस्फोटक इस्तेमाल होता था। लेकिन क्यों, क्या यहाँ कोई बड़ा खेल खेला जाता था या फिर खेलने की तैयारी थी? मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जा रही है। दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। यह हादसा और भयानक शक्ल ले सकता था क्योंकि फैक्ट्री से महज 500 मीटर की दूरी पर सीएनजी पंप है। खुदा न खास्ता अगर कोई पटाखा पंप पर जाकर फटता तो यह हादसा कितना बड़ा हो सकता था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 28 से अधिक कामगार थे और उनका परिवार मौजूद था। आग से बचाव के लिए यहाँ ना तो किसी प्रकार के संसाधन थे और ना ही आधुनिक उपकरण थे, मतलब जानबूझकर लोगों की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही थी। आईजी प्रवीण कुमार का कहना है कि फैक्ट्री के पीछे बिजली का ट्रांसफार्मर भी था, हो सकता है कि उसमें आग के बाद यहां आग लगी हो। हालांकि आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। शुरुआती जांच में पता चला है कि फैक्ट्री में करीब 3 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने का काम होता था। मेरठ निवासी दिलशाद खान की रूही इंडस्ट्रीज के नाम से फर्म है और इसी नाम से उनकी कंपनी भी रजिस्टर्ड है। पिछले काफी समय से यहाँ काम बंद था और करीब 3 महीने पहले ही इस फैक्ट्री को हापुड़ निवासी वसीम को किराए पर दिया गया था। फैक्ट्री में एक हॉल और 2 छोटे कमरे के अलावा पूरे परिसर में बड़े 3 सेट के नीचे काम हो रहा था। प्रवीण कुमार आईजी मेरठ ने कहा कि भूखंड आवंटन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैयार करने के लिए हुआ था, लेकिन बिना किसी सूचना के ये दूसरे को किराए पर दे दिया गया और अवैध रूप से पटाखे बनाए जाने लगे। मामले में जांच कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने हादसे पर दुख जताया है, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल तो उठता है कि आखिर कब तक हम हादसों के बाद ही जागते रहेंगे? समय रहते क्यों नहीं ऐसी फैक्ट्रियों की पड़ताल की जाती? अवैध पटाखा फैक्ट्री में इतनी हाई इंटेंसिटी के बारूद का क्या होता था? उम्मीद है कि जांच के बाद इस फैक्ट्री का सच सबके सामने आएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द एनएच जीरो।